संपूर्ण जनता जनदललाई आज जुन प्रकारले एउटा मलाई हाम्रो मुस्लिम कमिटी सुनादा क्षेत्रमा मलाई बोलाएको थियो अनि त्यहाँनिर अस्ति जुन घटना भएका थिए मुस्लिम त्यो मस्जिदमा जुन एउटा माइक तोड्ने कुराहरू भएको थिए त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूले मुस्लिम कमिटीले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा मलाई बोलाउनु भएको थियो अनि म त्यहाँ गएका थिएँ त्यहाँको मस्जिदको पुरा एउटा दैजा पनि लिएँ के कसो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट बादमा उहाँहरूसँग एकदम बातचित भइसकेपछि मेरोमा अलिकति तपाईँको 4-5 घन्टा टाइम थियो त्यो टाइम हुँदाखेरि चाहिँ मैले के अरे रिङटङ कमान्ड त्यो अघिको दिनमा कमान्ड बन्द हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरूमा मैले सहायता गरेको थिएँ अनि त्यो कमान्ड म यसो भिजिट गर्नु चाहेको थिएँ अनि म भिजिट गर्नु थिएँ त्यस पश्चात म त्यहाँ गएर सबैसँग भेटघाट भएँ अनि त्यहाँ म्यानेजरसँग भेटेँ अनि त्यहाँ गाउँको सबैसँग भेटघाट भएर म खानपिन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट यता मुन्डा भएर फर्केँ अनि मुन्डा भएर फर्किँदाखेरि चाहिँ मुन्डा एरियामा जब म फर्किने बेलामा चाहिँ चारैतिर हल्ला भयो कि म त्यताबाट आउँदैछु भनेर सबै गाउँ घरको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भेला जग्गा जग्गामा भेला भएर उहाँले खदाहरू गरे हाम्रो कुनै मिटिङ पनि थिएन हामीले कुनै प्रकारको त्यहाँ मिटिङ गर्न पनि गएको होइन र बाटोमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा खदामाला गर्दाखेरि अनि लास्टमा नालीचोरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए धेरै मानिसहरूले स्वागत गरेर बसेको थिए र उहाँहरूसँग उहाँले खदामाला गरेपछि धेरै फोटोहरू खिच्नुभयो उहाँले त्यो फोटो सोसो खिचिसकेर त्यहाँबाट हामी चाहिँ निक्लिएका थियौँ निक्लिँदाखेरि चाहिँ हामी त्यसबाट नालीचोरदेखि अलिक माथि आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदमै 8-10 जना केटाहरू चाहिँ सिटी बजाउँदै एकदम सुन्यो हामीले गाडीबाट सिटी बजाउँदै पुरा तिर कितिर गर्दै थियौँ त्यो ओह्रालो झर्दै अन्त हामी त यसरी क्रस हुँदै थियौँ क्रस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देख्यौँ हामीले महेन्द्र प्रधानहरू छ अनि उसको 8-10 जना केटाहरू अनि म र मेरो प्रोटेक्सन गाडी चाहिँ हामी छिरिहाल्यौँ त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरू ओह्रालो गएर चाहिँ नेक्स्ट त्यो हाम्रो सुनादाको लेडिजहरू पनि थिए अनि त्यो लेडिजहरूको गाडीमा पनि खुकुरीहरूले प्रहार गरेछ अनि त्यस पश्चात केटाहरूको गाडीमा ढुङ्गा हेरेर चाहिँ त्यो हुँदा चाहिँ केटाहरू निक्लिँदा चाहिँ महेन्द्र प्रधानले खुदै उसको हातले नै हाम्रो जोगमान भाइ जो जिएलपीको भाइ हुन् उसलाई एसल्ट गरेछ अनि एसल गरेर चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ केटाहरूले त्यो देख्दा चाहिँ धक्कामुक्की त्यहाँ झगडा भएछ त्यो हुँदा चाहिँ हामी त त्यहाँबाट त हामी मेन माथि बाटोमा आइहाल्यौँ त्यस पश्चात जुन चाहिँ एउटा घटनामा हाम्रो फुटेज पनि छ एकदमै खुकुरी लिएर उहाँहरूले एसल गरेको र अहिले के उहाँहरूले के भन्दैछ भने हामी उत्रेर हामीले म उत्रेर चाहिँ उनीहरूलाई एसल गरेँ भने कदापि त्यो कुरा छैन भएको छैन किनभने म चाहिँ अलरेडी मेरो प्रोटेक्सन अगाडि थियो उहाँले मलाई एकदमै अगाडि लिएर निहाल्नु भयो अनि पछाडि जुन प्रकारको एउटा त्यो उहाँहरूले त्यो सिटी बजाउँदै गर्दै थियो एकदमै आतङ्कित गर्ने एउटा छै झगडाको मुडमै थियौँ त्यसले गर्दा हामीले बुझेर नै हामी क्रस भइहाल्यौँ र यो एउटा फल्स एउटा एलिगेसन लगाएर आज जुन प्रकारको एउटा सोसियल मिडियामा ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ यो त एकदमै सरासर गलत हो र हामी उकालो आएको मान्छेलाई आज उहाँहरू चाहिँ सुनादा बस्ने मान्छे आज नालीचोरमा चाहिँ के कारणले गएको हामी त उकालो घर फर्किँदैछौँ तर उनीहरू चाहिँ नालीचोरमा गएर चाहिँ मातेर चाहिँ नालीचोरमा बसेर चाहिँ जुन प्रकारको एउटा एम्बुस गरेर हामीलाई एट्याक गर्ने जुन चाहिँ प्रहार गर्यो यो चाहिँ एकदमै पुलिस प्रशासनले चाहिँ गम्भीर प्रकारले यसलाई छानबिन गरेर यो दोषीलाई चाहिँ एकदमै सजाय दिनुपर्छ किनभने मसँग अलरेडी फोर्स छ फोर्सलाई डिटेल्समा थाहा छ कि म गाडीबाट उत्रेँ उत्रिनँ म त्यहाँ हिँडेँ हिँडिनँ त्यो सबै कुरो उनीहरूलाई थाहा छ र यो सबै कुरोहरूलाई चाहिँ आज यिनीहरूले चाहिँ अब एलिगेसन लगाएर जुन प्रकारको एउटा ब्रोडकास्ट गरिएको छ सोसियल मिडिया यो चाहिँ एकदम सरासर झुट हो र एकदमै महेन्द्र प्रधान नै एकदम खुदै उसको हातमा खुकुरी बोकेर उसले एसल गरेको भनेर केटाहरूले भन्दैछन् मैले त यो चाहिँ देख्नु चाहिँ देखिनँ तर उहाँले केटाहरूले चाहिँ एकदमै देखेर त्यो कुरा गर्नुहुँदैछ र यो चिज चाहिँ एकदमै आज जुन प्रकारले भयो यो चाहिँ राम्रो भएन र एउटा अशान्ति फैलाउने यो GTA 2 को व्यक्तिहरूले गर्दैछ यो चाहिँ एकदमै पुलिस प्रशासनले एकदम सक्तभन्दा सक्त एउटा यसको कारवाही
कारवाही गर्नुपर्छ, नत्र यो चिजहरू भोलिदिन बढेर ठुलो हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई जनतालाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सबै मेरो महानुभावहरूलाई पनि, सबै मेरो युवा जमातहरूलाई मैले सन्तमा राखिराख्नु परिरहेको छ। र यो सबै कुरोहरू चाहिँ अब हामी पिस राख्नुपर्छ, शान्ति राख्नुपर्छ, दार्जिलिङ पहाड एकदम शान्ति राख्छ। यो चिजहरूलाई आज हामी एकदमै इग्नोर गर्नुपर्छ, यो अशान्ति भन्ने कुरा, झैझगडा भन्ने कुरा। र म यही चाहन्छु सबैलाई नै, र एकदम शान्तिमय बनाउने, एकदम मेरो जति पनि फलोअर छ, सपोर्टर छ, एकदम शान्तिमय राख्ने, जो पनि आज उहाँले स्क्रम लगाएको छ, यो सब सारा सबैलाई नै म एकदमै यहाँ यो भिडियोद्वारा म अपिल गर्न चाहन्छु, जनाउन चाहन्छु। एक्चुअली हाम्रा जो अध्यक्ष जो है विमल गुरुङजी, उनका हमारे सोनादा पश्चिम समष्टि के अंदर एक जो टी गार्डन है, रिंगटंग टी स्टेट, तो वहाँ पे एक्चुअली अनऑफिशियल विजिट था उनका, जहाँ पे उन लोगों का इलेक्शन से पहले अध्यक्ष जी से मुलाकात करने का बहुत मतलब उन लोगों का चाहा था, तो टाइम नहीं मिलने की वजह से अध्यक्ष जी वहाँ पर विजिट नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए समझाने के लिए वहाँ पे गए थे। तो जाने के बाद इधर उधर से मतलब जितना भी हमारा पार्टी का जो समष्टि का जो प्रतिनिधि है वो लोग भी अध्यक्ष के साथ गए थे, तो आते वक्त अचानक ही मतलब ये जो डिब रोड के सामने, तो जो हमारा पहला भूतपूर्व सभासद जो है अभी हाल में अनित थबा के साथ काम कर रहे, जो विमल मतलब गोजामुमु टू में, तो महेंद्र प्रधान यहाँ का प्रेसिडेंट समष्टि का सोनाम लामा और रमेश तामाङ और उसी के साथ में ये रवि जो है और दूसरे लोग जो भी था मतलब हो चुके बोल के ये सब भी था, और ये सब इकट्ठा होके अचानक से जितना हमारा गाड़ी में नारी मोर्चा के जो गाड़ी था तो उसी में एकदम बाहर से नंगा खोपरी लेके पूरा गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया, और जितने भी अंदर था उन सबको चोट भी पहुंचाया, और पत्थर से भी बहुत सारा पत्थर बरसा के गाड़ी को पूरा डैमेज किया है, और हमारे आदमी को पूरा इंजॉय करके अभी हॉस्पिटल ले जाने के लिए सब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में अशांत नहीं फैला के हम लोग राजनीति करते हैं ये बोलते हैं अनित थापा, लेकिन उनके ही निर्देश में आज ये सब झमेला हो रहा है। सोनादा एकदम पीसफुल, इलेक्शन के दिन भी कोई भी झमेला नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष जी आज विजिट में आया, उनका कोई ऐसा किसी को भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि ये करो वो करो, लेकिन ये लोग अचानक से आकर आराम से, अध्यक्ष जी तो यहाँ से पार भी हो चुके थे, पीछे पीछे जो गाड़ी आ रहा था उनमें अचानक से ये लोग ने ऐसा मतलब डैमेज, गाड़ी को डैमेज किया, जितने भी गाड़ी के अंदर थे वो सबको मतलब मार के कुटपीट करके, हाथ से नहीं पत्थर से नहीं लेकिन नंगा कुकुरी लेके हथियार लेके आया था, जिसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है। आपका तो, आपका कितना आदमी इंजर्ड हुआ है अभी? अभी हमारा 3-4 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनको हम लोग सरकारी अस्पताल दार्जिलिंग इडेन अस्पताल में ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी का क्या हुआ? अध्यक्ष जी वो तो चले गए हैं और उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है अभी, तो अभी भी देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, ये जितना भी मतलब जिसने भी नंगा खुकरी लेकर आया था वही लोग आप क्रॉसिंग से भी गाड़ी मंगवा रहे, गाड़ी गाड़ी आदमी बुला रहे, ये जितने भी आसपास के उन लोग का मतलब समर्थक है सबको बुला के यहाँ पर झगड़ा करने के लिए, यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर सबको इकट्ठा किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन दोनों तरफ को मतलब शांत करने के लिए वो कर रहा है। अभी कर लेना, उनको जाने दो। नहीं ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि मतलब जितने भी ये लोग का समर्थक है अभी भी इकट्ठा हो रहा है, और इनका मकसद ही यहाँ पे मतलब झमेला करना है, तो यहाँ का जो शांत वातावरण था इसको पूरा डामाडोल करके ये लोग मतलब पूरा अशांत फैला दिया है। और जैसे कि अब जब हमारे जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाके ही पता चलेगा, जिसके मतलब माथे पर बहुत चोट लगा है, तो जो एकदम उसका हथियार था खुकरी की वजह से जब गाड़ी में प्रहार कर रहा था तो अंदर से जो बैठा लोग को पूरा मतलब सर पे चोट लगाए, तो इट विल बी क्रिटिकल सिचुएशन, तो हम देखेंगे क्या होता है। और अगर ये लोग का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होकर ये अच्छे नहीं हो जाता तब तक हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जितने भी प्रशासन को कि जल्द से जल्द ये लोग को अरेस्ट करे, आज रात ही अरेस्ट करे। सुनिए ना, आपने किसी के नाम में एफआईआर किया है? एफआईआर महेंद्र प्रधान और ग्रुप के नाम से मतलब एफआईआर किया हुआ है।
और उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर दोनों तरफ का जितना भी मामला है वो देखकर हमारे ऊपर मतलब जस्टिस करे, क्योंकि हमारे लोग झगड़ा करने के वजह से ये मकसद से नहीं गया था। और उसके बाद शांत भाव से वो लोग जब रिटर्न हो रहे थे उसी वक्त ये लोग अचानक आकर गाड़ी में अटैक किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी हमारे पास है और हमारे पास पूरा प्रूफ भी है। तो इस हिसाब से वो देख कर भी इन लोग को पूरा जल्द से जल्द कार्रवाई करके एकदम कड़ी से कड़ा सजा इन लोग को, कड़ा से कड़ा धारा इन लोग ऊपर लगाना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर किया इन लोग का मकसद ही मर्डर था। मेरा अमृत प्रधान, गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा सेंट्रल कमेटी मेंबर।